नमस्कार, मैं मोहम्मद फैसल और आप देख रहे हैं जनहित आवाज। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा को फटकार लगाई है और उनको कहा है कि आपको टीवी चैनल पर जाकर पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। और ये जो देश में हो रहा है, ये जो आग लगी पड़ी है, उसके लिए सीधा सीधा जिम्मेदार ठहरा है नुपुर शर्मा को। पूरा मामला समझिए। दरअसल हुआ ये था कि नुपुर शर्मा ने अपनी याचिका दाखिल की थी सुप्रीम कोर्ट में। चूंकि नुपुर शर्मा ने जब से बयान दिया था, उनके खिलाफ देश भर में तमाम जगहों पर FIR दर्ज हुई थी और उनको लगातार धमकी आ रही थी कि हम आपको कत्ल कर देंगे, जिसको लेकर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी और सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई थी कि उनके खिलाफ जितनी भी FIR हैं वो सारी FIR एक जगह करके दिल्ली भेजी जाए, यानी कि दिल्ली में उसकी सुनवाई हो। नुपुर शर्मा ने अपनी याचिका में ये अर्जी लगाई थी, लेकिन इसके उल्टा ही हुआ। सुप्रीम कोर्ट आग बबूला होता हुआ दिखा। सुप्रीम कोर्ट ने उनके वकील और नुपुर शर्मा को फटकार लगाई है कि आप खुद वकील होते हुए इस तरीके की बयानबाजी कैसे कर सकती हैं, आज आपकी वजह से पूरा देश सुलग रहा है। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उदयपुर की घटना के लिए सीधे सीधे नुपुर शर्मा जिम्मेदार है। जी हाँ, आप समझिए सुप्रीम कोर्ट का कितना बड़ा बयान है। ये बात हम लोग पहले से भी कहते हुए आ रहे हैं, अगर वक्त रहते हुए नुपुर शर्मा पर कार्रवाई हो जाती और उनको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता और कानूनी प्रक्रिया के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई चलती, तो हो सकता था इतना मामला नहीं बढ़ता। उनके बयान के बाद से आज उदयपुर में कन्हैया लाल अपनी जान गंवा बैठे हैं। झारखंड में दो लड़के, उनकी भी मृत्यु हो गई। आप समझिए तीन जिंदगियां चली गई। और आज पूरे देश में ऐसा माहौल है, आज पूरा भारत दो दिहाने पर खड़ा हुआ है, हिंदू मुस्लिम के नाम पर लोग ऐसा माहौल बना के बैठे हुए हैं कि अभी समझ लो खाना जंगी हो जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वक्त रहते हुए बहुत सही फैसला दिया है और जिस तरीके से फटकार लगाई है, और साथ ही उन्होंने कहा है, उन्होंने दिल्ली पुलिस को भी फटकारा है। दिल्ली पुलिस को कहा गया है कि क्या दिल्ली पुलिस नुपुर शर्मा के लिए रेड कारपेट बिछाकर तैयार रखती है? आखिर क्या वजह है कि नुपुर शर्मा के खिलाफ FIR तक दर्ज नहीं हुई और उनको गिरफ्तार नहीं किया गया? दिल्ली पुलिस को भी फटकार लगाई है। वहीं दूसरी तरफ जो टीवी एंकर थी, जिनकी डिबेट में यह बोला गया था, नविका कुमार, उनको भी फटकार लगाई है कि आप एक एंकर रहते हुए इस तरीके के प्रोग्राम की परमिशन कैसे दे सकते हैं? आप चैनल पर अपना एक एजेंडा चलाते होंगे, लेकिन दो समुदाय के बीच भावना भड़काने का काम आप नहीं कर सकते। तो सुप्रीम कोर्ट इस बार सख्त दिख रहा है। जिस तरीके से उदयपुर में कन्हैया लाल की हत्या हुई, उसके बाद से वहां पर लोग नाराज थे, रोष था एक लोगों में कि जिस तरीके से उनकी निर्मम हत्या की गई। अब चारों तरफ से माहौल बनाया गया, दहशत का माहौल है। खासकर उसके बाद उदयपुर में ही एक पुलिस कांस्टेबल की गर्दन पर धारदार तलवार से वार कर दिया गया। आप समझिए कितना माहौल है। और टीवी पर सिर्फ यही चलता है, हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। उस हत्या के बाद भी पुलिस अपनी कार्रवाई करती है, आरोपियों को पकड़कर जेल में डाल देती है। लेकिन टीवी जो इसकी जड़ है, जिसने आज देश को आग में झोंक रखा है, उसके बाद भी वो लगातार हिंदू मुस्लिम करता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है कि नुपुर शर्मा जो खुद वकील हैं, और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर आप एक पार्टी की प्रवक्ता हैं तो आपको ये आजादी नहीं मिलती कि आप किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत करें। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि आपको क्या जो मजिस्ट्रेट है उन पर भरोसा नहीं है, उनको आप बड़ा नहीं समझती? क्योंकि जिस तरीके से नुपुर शर्मा ने डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, उससे SC खुद नाराज है। सुप्रीम कोर्ट के माननीय जजों ने बहुत ही शानदार तरीके से इस फैसले को, इस केस को हैंडल किया है और साथ ही कहा है कि नुपुर शर्मा अगर चाहती तो वक्त रहते वो इस मामले को शांत करवा सकती थी। पहली बात तो ऐसी नौबत ही नहीं आनी चाहिए थी कि आप किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत करें। उसके बाद आपने माफी मांगी लेकिन सार्वजनिक नहीं मांगी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में नुपुर शर्मा के वकील ने कहा कि जज साहब, माननीय न्यायाधीश जो नुपुर शर्मा है, उन्होंने माफी मांग ली थी लेकिन उसके बाद भी उनको लगातार धमकियां मिल रही है। तो उस पर जज साहब का कहना था कि आपने माफी तो मांग ली लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। और ये जो आज देश में आग लगी पड़ी है, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ नुपुर शर्मा जिम्मेदार है।
मैं आपको बता दूं कि ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर क्या ट्रेंड हो रहा है वो भी मैं आपको खबरें बता दूं इस खबर को लेकर। ये देखिए, अशरफ हुसैन है, उन्होंने ट्वीट किया है, नुपुर शर्मा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को लगाई फटकार। कहा, दिल्ली पुलिस ने नुपुर शर्मा के लिए रेड कारपेट बिछा रखी है। देश में जो कुछ हो रहा है उसके लिए नुपुर शर्मा जिम्मेदार है। अगर एंकर ने उकसाया तो उसके खिलाफ भी FIR दर्ज हो। क्या दिल्ली पुलिस अब ऐसी की बात मानेगी? यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि जो एंकर थी उस टाइम पे नविका कुमार, उनके खिलाफ भी FIR दर्ज होनी चाहिए। उसके लिए जितनी नुपुर शर्मा जिम्मेदार है उतना ही नविका कुमार भी जिम्मेदार है। ये देखिए 24 की न्यूज़ है, नुपुर शर्मा को SC सेल लगी फटकार। कहा, आपका बयान परेशान करने वाला है। नुपुर को पूरे देश से माफ़ी मांगनी चाहिए, पूरे देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। नुपुर की वजह से देश में माहौल ख़राब हुआ। उदयपुर की घटना के लिए नुपुर शर्मा जिम्मेदार। ये बड़ा फैसला है सुप्रीम कोर्ट का। और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने, वक्त रहते अभी भी बहुत देर नहीं हुई थी, क्योंकि जिस तरीके से गुरुग्राम में नारेबाजी हुई, उदयपुर में रैलियां निकली, लगातार धीरे धीरे पूरे देश में ये चीज़ें हो रही थी, वक्त रहते अभी भी सुप्रीम कोर्ट ने हरकत दिखाते हुए बड़ा फैसला दिया। ये देखिए, बोलता हिंदुस्तान ने ट्वीट किया है, नुपुर शर्मा के बयान ने पूरे देश में आग लगा दी है, उन्हें पूरे देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। तो इस तरीके से क्या अब नविका कुमार अपने TV डिबेट में लाइव आकर क्या पूरे देश से माफ़ी मांगेंगी? क्या नुपुर शर्मा, जिस तरीके से TV डिबेट में उन्होंने आपत्तिजनक बयानबाजी की थी, क्या वो अब पूरे देश से माफ़ी मांगेगी? क्या दिल्ली पुलिस नुपुर शर्मा के खिलाफ FIR दर्ज कर उनको गिरफ्तार करेगी, उनसे पूछताछ करेगी? क्या नविका कुमार के खिलाफ FIR दर्ज कर उनको भी हिरासत में लेगी? देखने वाली बात है। क्या दिल्ली पुलिस सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट की बात रखेगी, उनका मान सम्मान रखेगी, या सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर के बाद भी वही उनका लचर रवैया दिखाई देगा? ये सारे सवाल हैं जो आज सुप्रीम कोर्ट ने उठाए हैं और हम लगातार उठाते आ रहे हैं। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है? क्या सुप्रीम कोर्ट की बात को दिल्ली पुलिस मानते हुए अब नुपुर शर्मा के खिलाफ कार्रवाई करेगी? जिस तरीके से बंगाल में उनके खिलाफ FIR दर्ज होती है, ममता बनर्जी जो वहाँ की पुलिस है उनको लगातार नोटिस भेजती है, समन भेजती है कि आप आइए, लेकिन चूंकि नुपुर शर्मा की भी जान, लगातार धमकियाँ मिल रही थी, उनकी जान को खतरा था, तो कहीं ना कहीं वो भी एक सवाल है। ये तमाम सरकारों की जिम्मेदारी है, तमाम मशीनरियों की जिम्मेदारी है कि सबकी जान की रक्षा की जाए। इस देश में जो भी होगा वो संवैधानिक तरीके से होगा, रूल ऑफ लॉ से होगा। किसी महान व्यक्ति ने कहा था कि अगर आँख के बदले आँख लेंगे तो फिर ऐसे सारी दुनिया हो जाएगी। तो ये जो रिवाज चला है, ये जो ट्रेंड चला है कि गला काटने का, धमकियां देने का, लोगों को मारने का, लिंच करने का, ये रुकना चाहिए। और इस देश में कानून का राज होना चाहिए, देश संविधान से चलना चाहिए, देश रूल ऑफ लॉ से चलना चाहिए। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने आज जजमेंट दिया है, लोगों को आज थी कि ये काम पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। तो ये बड़ा सवाल है, क्या आप दिल्ली पुलिस हरकत में आकर नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल कुमार के खिलाफ उनको गिरफ्तार करेगी, या फिर अभी भी वही लचर रवैया देखने को मिलेगा? इस पर आपकी क्या राय है, आप अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया।